देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नयन, मैं बहुत देर तो तेरी गल्ला सुन रहा, तो मैं ये भी देख रहा कि तो एक तो बाद एक जैस्मिन ते विक्की ते इल्जाम लगा रही है, पर तू ये दस इन इल्जामों नूं साबित करने लई तेरे कोई सबूत है? क्योंकि बिना सबूत तो ये सिर्फ गल्लां ही रह जाणगियां। नाले तेनूं अंदाजा भी है तू किसे ते खून दा इल्जाम लगा रही है। शमशेर जी, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। नैन, किसे ते खून दा इल्जाम लगाना बहुत वड्डी गल हुंदी है। मैं जानदा जैस्मिन नूं नफरत करन लई तेरे कोल हर जायज कारण है, पर बिना किसी सबूत तो तू जैस्मिन नूं गुनेगार नहीं ठहरा सकती। बोल नयन, चुप क्यों है? कटो कट हुन ता सबूत पेश कर दे। मैं बिना सबूत में कोई गल नहीं करती शमशेर जी, मेरे को सबूत है। कोल केड़ा सबूत आ गया? की सबूत है? की दसा थे वंश जी, मेरे कोल सहज दीदी दी लिखी हुई चिट्ठी सी, जो इन्हा भैन भरा ने साड़ के सुआह कर दित्ती, पर तुसी मेरी गल दा विश्वास ही नहीं करना। देख नैन, जे ता तेरे कोल कोई सबूत है ता पेश कर, नहीं ता गल नू गोल गोल घुमाना बंद कर। जे मैं शमशेर जी नूं सहज दीदी दी फोटो च मिली चिट्ठी बारे दसांगी ना, वो जरूर मेरा यकीन करेंगे, क्योंकि वो मैनूं अपनी धी मंदे ने। नयन, जे तेरे कोल सबूत है तां दिखा ना सब नूं, ते साबित कर कि तू झूठ नहीं बोल रही। सहज दीदी ने अपने हत्था दे नाल विक्की दे खिलाफ चिट्ठी लिखी सी, वही सबूत है। मैनू इन्हां दोवां ते तां बहुत पहले ही शक सी, पर मेरा शक हकीकत जदों बदलिया जदों सहज दीदी दी फोटो चो मैनू वो चिट्ठी मिली। चिट्ठी सहज दीदी ने मरण तो पहला थोड़े लिए लिखी सी, पर वो थोड़ा दे ना सके। मैं तेनू बहुत भोली समझदा सी, पर अज जेड़ी तू चलाकी कीती है ना, मैनू पूरा विश्वास हो गया तू बहुत तेज कुड़िया ना है। तू अपने फायदे लिए मरे हुए लोगों का भी इस्तेमाल कर सकती है। तेनू अपने मोह मेरी सहज का नाम लेंदे हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई। तेनू इस गल का पता सी कि मैं ते डैडी जी सहज का नाम सुन के इमोशनल हो जावांगे। ते तू इसी गल का फायदा चुक के साडे इमोशन नाल खेड रही है। अपनी झूठी गल नू साबित करन लई तू एक प्यो ते एक दुखी पति दे इमोशन नाल खेड रही है। विक्की जी, ए तुसी भी जान दे कि मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। हुन चाहे तुसी मन्नो या ना मन्नो। शट अप मैन, मैं सहज नूं बहुत प्यार करदा, पर मैं ओदे नाल एदां दा कुछ भी नहीं कर सकता। विक्की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें आज तक किसी होर कुड़ी बारे गल भी नहीं की। सहज ने मेरे लिए चिट्ठी क्यों लिखी सी? ते जे लिखी भी सी
तो मैनू दिती क्यों नहीं? वो मैनू जिंदे जी भी दस सकती सी। नहीं दस सकते क्योंकि तुसी विक्की दे उपर अखा बंद करके भरोसा जो करते सी। उन्हां नू पता सी जे वो विक्की दे खिलाफ थानू कुछ भी कहनगे ना तुसी उन्हां ते भरोसा नहीं करोगे, उल्टा उन्हां नू ही गलत समझोगे। हे विक्की, इन्हें थानू धोखा दिता है। सहज दीदी नू जहरीले फुला राही मारे है। नयन, मैं तेरिया सारिया गल्ला मनन नू तैयार। चल मान लिया विक्की ते जैस्मिन नहीं सहज नू मारे, मान लिया कि यह दोनों मेरे खिलाफ साजिश रच रहे ने। पर की तू पहला मैनू सहज की लिखी लेटर दिखा सकती है? बेचारी नयन हुण की करेगी, क्योंकि वो चिट्ठी तो सड़ के सवा हो गई है। दस ना नयन, कित्थे वो लेटर? हे नैना देवी, वो चिट्ठी तो सड़ के सुआ हो गई, हुण मैं इन्हां नूं की विखावांगी? क्यों चाहिदी है तुहानूं वो चिट्ठी? कि मेरा क्या काफी नहीं? तुहानूं मेरे ते भरोसा नहीं? नयन, गल इत्थे भरोसे दी नहीं है, बल्कि सारे आदमी सच जानन दी है। जे तेरे कोल लेटर है, तेनू दिखाण च हर्ज की है? नयन, तेरे को सबूत है तो दिखा देना, कर देना सब दे मुंह बंद। जे चिट्ठी है ही नहीं तो दिखाएगी की? हुण की करा? जे मैं चिट्ठी ना दिखाई तो किसी ने मेरी गलती यकीन ही नहीं करना। हाँ, विवान जीजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुण तो मैं भी वो लेटर देखना चाहुंदा जिस नयन ने मेरे सहजा लिखा लेटर सबनों दिखा देता ना, तो मैं इधर लगाए हर इल्जाम कबूल कर लूं। थैंक यू नयन, तू अपनी कबर अपने हाथों नाल ही खोद ली है। हुन जब तू सबूत नहीं दे सकेंगी तो सब तेनू झूठी समझणगे ते मैनू सच्ची। नयन, तू साडे ते इदा वार करके चुपचाप खड़ी नहीं हो सकती। जेकर तू साडे ते इन्ने वड्डे इल्जाम लाए ने तो उन्होंने साबित भी करना पड़ेगा। तेनू लेटर दिखाना पड़ेगा नयन। नहीं है मेरे कोलों चिट्ठी। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पहला तो सानू सब दे सामने गलत साबित करने लिए क्या कि तेरे कोल साडे खिलाफ सबूत ने, ते हुण जब तू अपने ही बछाए हुए जाल च फस गई ते तू कह रही है तेरे कोल कोई सबूत ही नहीं है? फिर तू किस बेसिस ते मेरे ते बिग ब्रो ते इन्हें गंदे इल्जाम लगा रही सी? सच तो यह है नयन कि तेरे कोल कोई सबूत ही नहीं है। तू वाकई झूठा दी पंड है जेड़ी के हर गल ते एक नवा झूठ बोलती है। पर अफसोस, तेरी ये कोशिश इस बार नाकामयाब होगी।
तू मैनू इदा घूर क्यों रही है? थानू जवाब देने लई थानू तो पता ही है ना चिट्ठी कित्थे है। की मतलब है तेरा कि मैं वो चिट्ठी अपनी जेब च पाके घूम रही हूँ? जिस बंदे ने कोई चीज चोरी कित्ती हुंदी है ना उस बंदे नू चंगी तरह पता हुंदा है वो चीज कित्थे है। नैन तू कहना की चाहनी है साफ साफ दस ना। थानू सब नू याद है ना एक दिन जैस्मिन दी साड़ी दे विच अग लगी सी। उस इंसिडेंट दा सहज दी लेटर ना की लेना देना? तुसी इन्हां नू पुछया भी सी कि इन्हां दी साड़ी चक किद्दां लगी पर इन्हां ने जवाब नहीं दित्ता सी। वैसे जैस्मिन ऐ अग किद्दां लगी तेनू की लगदा है इहदे पिछे किहदा हाथ हो सकदा है? सबूत मिटाने लई उस चिट्ठी नूं अग लगा दित्ती। किस तरह लगी सेना दी साड़ी नू अग? पर नयन वो चिट्ठी तो तेरी मां दी सी ना जो जैस्मीन ने साड़ दीती सी। कदे कदे बेवकूफ भी टाइम आते अकल दी गल कर देंदी है। नैन किट्टी की कह रही है जो लेटर तेरी मॉम दी सी तो तू है क्यों क्या कि वो सहज दी सी? नैन सच सच दस ना लेटर किदी सी तेरी मॉम दी है सहज दी? हुण तक मैं जैस्मिन ते विक्की ते लाया तेरा हर इल्जाम तेरी हर गल बड़े ना ध्यान ना सुन रहा सी क्योंकि मैं लग्या कि तेरे कोल इन्हां गल्लां नूं प्रूव करन लई कोई ना कोई सबूत जरूर होएगा। पर हुण तेरियां नॉनसेंस गल्लां सुन के मैं लग रहा कि तू इत्थे खड़ी सिर्फ साडा टाइम खराब कर रही सी होर कुछ नहीं। नाले सबूत तां तूं ता देंदी ना जद गल्लां सच्चियां हुंदियां। तेरी कही हर गल सिर्फ झूठ ते धोखा है। नाले जैस्मिन ते विक्की मेनू मारन की साजिश नहीं कर रहे। साजिश तो तू कर रही है ना दोवां दे खिलाफ। सहदेव जी तुसी कोई कागज का टुकड़ा वेख्या? मैं तुहाडी हेल्प कर देना लब्भण च। इधर आ। दस सहदेव तेनू सहज दी लेटर बारे की पता है? जे अज साबित हो जाता है कि वह चिट्ठी सहज दी सी तो मैं इस विआह नूं इसे वेले रोक देंगा।
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਏਗੀ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੋਲਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਲੱਗਦਾ ਰੀਟਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਖੂਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਗਲਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਹਿਦੇਵ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਹਿਦੇਵ ਦੱਸ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਸਹਿਦੇਵ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫੋਰ ਗੋਡ ਸੇਕ ਸਹਿਦੇਵ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਸਹਿਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸੋ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੈਣ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹਿਜ ਦੀਦੀ ਦੀ ਲੈਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰੂਮ ਚ ਜਦ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੀਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੈਣ ਭਾਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਚ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਸਹਿਦੇਵ ਕੀ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਆਈ ਮੀਨ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਨੈਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨੈਣ ਤਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨੈਣ ਭਾਬੀ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਹਿਦੇਵ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨੈਣ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਸ਼ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੈਣ ਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆਖਿਰ ਮੇਰੀ ਸਹਿਜ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੇ ਨਾਨਾ ਦੇਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਦੀਦੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਬਸ ਨੈਣ ਬਸ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤੂੰ ਉਦਣ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਧੀ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਕੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਹਿਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ
ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੈਣ। ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।